आपको बताएं कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी का मामला है। उसातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी 26 मई से उठा ली जाएगी। इससे कबल तबादलों पर से पाबंदी 25 मई को उठाने का ऐलान किया गया था। तबादलों की दरख्वास्तें एक हफ्ते तक ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। आतिफ परवेज हमारे साथ हैं। आतिफ, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी का मामला है, कहिए क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, असातिज़ा को तबादलों के लिए दरख्वास्तें देने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो खराब होने से असातिज़ा तक के लिए जो मुश्किलात बढ़ी हैं, क्योंकि आज जो पहले तारीख अनाउंस की गई थी कि 25 से जो है वो असातिज़ा तबादलों के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगे, लेकिन आज जो है सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अब ये दरख्वास्तें वसूल करने का सिलसिला जो है वो 26 मई से शुरू होगा और ये इसके बाद कागजों की और दरख्वास्तों की वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर 20 जून से जो है वो तबादलों के अहकाम जारी किए जाएंगे। तो याद रखा जाए यहाँ पर तमाम कैटेगरी के असातिज़ा जो है वो दरख्वास्तें देने के अहल होंगे, खासतौर पर जो प्रमोशन के बाद असातिज़ा जिनके एडजस्टमेंट होनी थी उनको ये लाजमी कहा गया है कि वो इन सिस्टम के जरिए से जो है वो अप्लाई करें और उनकी एडजस्टमेंट होगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस अरसे में अगर इलेक्शन ठीक है। बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का।